गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर सेकेंड आवर्ती गुण में आयनन ऊर्जा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली क्लासों में हमने देखा था कि आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनन ऊर्जा की परिभाषा क्या है, आयनन ऊर्जा के लिए कौन सा फॉर्मूला हम काम में लेंगे, आयनन ऊर्जा के एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है। जैसे मेनली हमने सोडियम वाला एग्जाम्पल दिया था। प्रथम आयनन ऊर्जा क्या है, द्वितीय आयनन ऊर्जा क्या है, तृतीय आयनन ऊर्जा क्या है, फिर आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों में परमाणु का आकार, नाभिक के आवेश का परिमाण, आंतरिक इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव, इलेक्ट्रॉनों का भेदन प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु या आयन पर कुल आवेश की मात्रा का अध्ययन किया था। अब हम ये देखेंगे कि किसी परमाणु या तत्व के किसी परमाणु के लिए हम आयनन ऊर्जा का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं। आयनन ऊर्जा का निर्धारण हम सीधे तौर पे भौतिक विधियों के द्वारा कर सकते हैं, जिसमें पहली विधि है स्पेक्ट्रल विधि। अब स्पेक्ट्रल विधि में हम देखते हैं कि किसी परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा का अवशोषण करता है तो अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। बिल्कुल सही। अब जब वो जिस ऊर्जा का अवशोषण करके वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, उस ऊर्जा को हम अवशोषण स्पेक्ट्रम में देखते हैं। कि हमने मान लो ऊर्जा परमाणु को दी, परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गया, तो परमाणु पूरी ऊर्जा में से एक फिक्स तरंग दैर्ध्य वाली ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ठीक है, तो बची हुई ऊर्जा का जब हम स्पेक्ट्रम लेंगे तो जिस तरंग दैर्ध्य का अवशोषण हो जाएगा उस तरंग दैर्ध्य के बैंड के स्थान पे एक काली पट्टी हमें प्राप्त होगी, इसलिए उसको हम अवशोषण बैंड भी कहेंगे। ये जो काली पट्टी प्राप्त हो रही है ये रेखीय स्पेक्ट्रम भी कहते हैं हम इसे, रेखीय स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। तो जिस बिंदु से एक बैंड आरंभ होता है वही उस तत्व की आयनन ऊर्जा का मान होता है। यानी कि हमने परमाणु पे को ऊर्जा दी विभिन्न तरंग दैर्ध्य की, फिर इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गया, तो इलेक्ट्रॉन सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित नहीं करेगा, वो ऊर्जा की उस तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करेगा जितना ऊर्जा अंतराल निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर में है। जो वो तरंग दैर्ध्य इलेक्ट्रॉन अवशोषित करेगा स्पेक्ट्रम में, वो तरंग दैर्ध्य गायब हो जाएगी, उस तरंग दैर्ध्य के स्थान पर हमें काली पट्टी प्राप्त होगी। तो उस काली पट्टी जिस तरंग दैर्ध्य पर प्राप्त हो रही है उतनी ही ऊर्जा का अवशोषण एक इलेक्ट्रॉन ने अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने में किया है। तो जो काली पट्टी में प्राप्त होगी हम ये देख लेंगे कि किस तरंग दैर्ध्य ने लैम्डा पे प्राप्त हो रही है, और उससे हम लैम्डा के द्वारा हम ऊर्जा की गणना सूत्र द्वारा कर लेंगे। ये पहला मेथड है जिसे हम स्पेक्ट्रल मेथड कहते हैं या स्पेक्ट्रल विधि कहते हैं। इसमें प्रैक्टिकल यहाँ डायग्राम नहीं है लेकिन मैं आपको इसको प्रैक्टिकली और समझाता हूँ। हमने विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाली ऊर्जा या तरंग को उस परमाणु पर डाला, तो परमाणु का इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर
गया, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उन सारी तरंग दैर्ध्य में से किसी एक फिक्स तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करेगा, बाकी को अवशोषित नहीं करेगा। तो बाकी की तरंग दैर्ध्य तो हमें स्पेक्ट्रा में चमकीली लाइन के रूप में मिलेंगी, लेकिन जिस तरंग दैर्ध्य को वो इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लेगा उस तरंग दैर्ध्य के स्थान पर फिर हमें क्या मिलेगा, काली लाइन मिलेगी, ठीक है। तो यानी जो काली लाइन है उस तरंग दैर्ध्य की तरंग किसने अवशोषित कर लिए, इलेक्ट्रॉन ने। तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ने कितने तरंग दैर्ध्य वाली लाइन या ऊर्जा अवशोषित की है, उस तरंग दैर्ध्य को हम स्पेक्ट्रा में देख लेंगे और उससे फिर सूत्र लगा के हम ऊर्जा की गणना कर लेंगे और ऊर्जा की गणना करने से हमें आयनन ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब जो दूसरा वाला है तरीका वो है सैद्धांतिक गणना। जैसे हमने देखा था जो वैज्ञानिक बोर है उन्होंने हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे तत्वों के लिए सूत्र दिया था। अब हाइड्रोजन में क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जब जाता है तो कितनी ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसकी गणना के लिए जो वैज्ञानिक बोर हैं उन्होंने सूत्र दिया। वो सूत्र है म्यू बार यानी वेव नंबर बराबर आर एच, ये रेडबर्ग स्थिरांक है, ब्रैकेट में 1/(n1)² - 1/(n2)²। अब इस समीकरण के द्वारा हम आयनन ऊर्जा की गणना कर सकते हैं क्योंकि हमें म्यू का मान इससे प्राप्त हो जाएगा। हमें इसमें कौन सा मान रखना पड़े, आर एच फैक्टर जो कि कॉन्स्टेंट है उसका मान, एन वन यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर का मान कौन सी है, पहली है दूसरी है तीसरी है, एन टू यानी उच्च ऊर्जा स्तर का मान हमें रखना होगा। अब इलेक्ट्रॉन के परमाणु में से पूर्ण रूप से बाहर अगर निकल जाता है, देखिए एन वन जिस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन अभी है, एन टू ऊर्जा देने के बाद इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में जाता है वो एन टू यानी पहले, यानी ऊर्जा देने से पहले इलेक्ट्रॉन जहाँ होगा वो कहलाएगा ऊर्जा स्तर एन वन, और ऊर्जा स्तर और ऊर्जा देने के बाद इलेक्ट्रॉन जिस नए ऊर्जा स्तर में जाएगा यानी जिस उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा वो कहलाएगा एन टू। तो अगर इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से किसी परमाणु से बाहर निकल जाता है तो एन टू क्या हो जाएगा, एन टू हो जाएगा अनंत, इन्फाइनाइट, है ना। और जब एन टू में हम इन्फाइनाइट यानी अनंत रखेंगे तो अनंत की घात दो आएगी, अनंत की घात दो का मतलब हो जाएगा मान शून्य, है ना, क्योंकि अनंत की घात दो तो 1/(n2) की घात दो का मान हो जाएगा शून्य, और बाकी का जो फॉर्मूला है उससे हम आयनन ऊर्जा का मान प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसमें ये अपवाद है कि जो बोहर के सिद्धांत का जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है ये हाइड्रोजन का सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान इसमें मैच करता है, यानी कि जब हम हाइड्रोजन के लिए गणना करते हैं तो हमारे पास गणना करने पे जो मान आया और प्रैक्टिकल करके जो हमारे पास मान आया दोनों में आयनन ऊर्जा का मान समान होता है। लेकिन हम हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य परमाणु लें तो उसमें ये सैद्धांतिक गणना से जो हमें आयनन ऊर्जा का मान प्राप्त हो रहा है वो और एक्सपेरिमेंट द्वारा जो आयनन ऊर्जा का मान प्राप्त हो रहा है वो हमें अलग अलग प्राप्त होता है, है ना। इन दो तरीकों के अलावा एक श्रोडिंजर तरंग समीकरण भी है। श्रोडिंजर तरंग समीकरण के द्वारा हम अन्य तत्वों के लिए आयनन ऊर्जा का मान की गणना करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के लिए अगर आयनन ऊर्जा के मान की गणना करनी है तो हम इस सूत्र को काम में ले सकते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा अगर हमें अन्य तत्वों के लिए आयनन ऊर्जा की गणना करनी है तो हम श्रोडिंजर तरंग समीकरण काम में लेते हैं। तो ये है हमारा आयनन ऊर्जा का निर्धारण करने का तरीका। दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, आयनन ऊर्जा का निर्धारण दो तरह से किया जाता है, भौतिक विधियों द्वारा और सैद्धांतिक विधियों द्वारा। भौतिक विधि में हम देख रहे हैं स्पेक्ट्रल विधि, तो स्पेक्ट्रल विधि में लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, लाइन स्पेक्ट्रम से हम लैम्डा की गणना करते हैं, लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य से हम ऊर्जा की गणना करते हैं। दूसरा है सैद्धांतिक गणना, सैद्धांतिक गणना में ये बोर का सूत्र आपके सामने है, लेकिन इस सूत्र से हम हाइड्रोजन या हाइड्रोजन वाले जैसे और परमाणु जिनमें कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो उनके लिए हम आयनन ऊर्जा की गणना कर सकते हैं
एन वन का मान वो होगा जो कि ऊर्जा देने से पहले इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर में है वो मान, और ऊर्जा देने के बाद जब नए ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाएगा वो होगा एन टू। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का परमाणु से निकालना है, क्योंकि आयनन ऊर्जा क्या थी, इलेक्ट्रॉन को परमाणु से निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा ही तो आयनन ऊर्जा है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को परमाणु से पूरी तरह बाहर निकाल देंगे तो एन टू हो जाएगा इनफाइनाइट अनंत, ठीक है। अगर हाइड्रोजन के अलावा और तत्वों के लिए हमें ऊर्जा की, आयनन ऊर्जा की गणना करनी है तो फिर हम उसके लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण काम में लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक का डिटेल में अध्ययन करेंगे, और वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।